इस तरीके से धार्मिक कार्य होते रहने चाहिए और होंगे भी। आप सब लोग धर्म के साथ चलिए, भगवान की कृपा आप पर जरूर होगी। महाराज भी धर्म का ही रास्ता चुने हैं और धर्म का ही कार्य कर रहे हैं, इसलिए प्रभु की कृपा बढ़ती जा रही है और उसी से आप लोगों का कल्याण भी हो रहा है। तो इस तरीके से आप सब प्रेम से आते रहिए और इस पावन धाम पर विश्वास करके, और यहाँ पर जो कुछ आपको प्रसाद मिलता है उसे अमृत समझ कर ले जाइए, अपने बाल बच्चों को खिलाइए, खुद खाइए और दुकान में भी रख देना, खेत में भी थोड़ी सी हवन की भभूति डाल देना और फिर देना, देखना कि गेहूं में बरकत होती है या नहीं होती, ये आपका जरूर कार्य करना। श्री राधे, जय जय 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 श्री राधे। आप सबको मैं यही आश्वासन दूंगा कि प्रेम और विश्वास में अटूट शक्ति होती है, जहाँ पर अपना प्रेम और विश्वास लगा दोगे वही भगवान है। भगवान तो सर्वत्र व्यापक परमात्मा है, आपका विश्वास जहाँ डट गया वही परमात्मा, इसलिए विश्वास और प्रेम को बनाए रखें। ये धाम से कोई खाली नहीं जा सकता, यहाँ झोलियां भर जाएंगी। आते रहिए और प्रभु के सामने अपने दुख को बताते रहिए, आपका दुख कटता चला जाएगा, यही महाराज का संदेश है आप लोगों के लिए। और ये मत समझना कि आज महाराज के सेवक से बात हुई नहीं हुई, बात हो ना हो उसकी फिक्र मत करना, महाराज से सीधे आपकी बात होगी। जब आप यहाँ मत्था टेकेंगे तो आपके हृदय में एक धीरा बंधेगी, धीरा माने विश्वास बंधेगा, साहस बंधेगा, तो समझ लेना कि महाराज का संकेत हमें मिल गया, महाराज ने हमारी अर्जी ले ली है और उसका असर आपको दिखेगा। इस तरीके से आप लोग आते रहिए, सबका कल्याण होगा, सबका भला होगा। जय जय श्री राधे। कोई चीज थी इतनी देर लग रही है, महाराज किसी से ही भवानी को मार के नहीं भगाएंगे, विनती करके समझा बुझा के तब उसको उसके धाम भेजेंगे। बात समझ रहे कि नहीं? अब कोई इतना दिन से रहता है 100 साल 200 साल 400 साल, तो एक भय किसी को घर से नहीं निकाला जा सकता, उसको मना चुना के समझा बुझा के उसको उनके धाम भेजेंगे। इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन आपका दुख कटेगा। जय जय श्री राधे, 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 जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। क्या हाल है? ठीक है ना? सब कोई ठीक हो ना? आप लोग सब ठीक हो जाओगे, जो भी दुख है आपके कटेंगे। और किसी का अगर कोई नात रिश्तेदार कोई अगर बीमार है हॉस्पिटल में भर्ती है तो महाराज को अर्जी वहां दे देना, महाराज कृपा होगी बहुत जल्दी ठीक होके आ जाएगा। और आप सब अब गेहूं लगभग बो लिए होंगे, तो जो लोग पानी लगाएंगे अपने खेत में गेहूं के, तो जहां पानी गिरेगा वहीं महाराज की भभूति डाल देना और कहना जय राजा बल महाराज। तो जहां जहां पानी जाएगा हर पेड़ में महाराज का असर पहुंचेगा भभूति का, और देखना फिर कितने मोटे मोटे पूंजा होते हैं, गेहूं ब्यास लेगा और बरकत आपको होगी। आप लोग चिंता ना करना। दूसरी बात, अगर किसी की लड़की की शादी है और दिक्कत है कोई, तो जरूर यहाँ पर बताना, आपको अनाज पानी की सेवा दी जाएगी, ठीक है? या कोई गरीब आदमी है, कोई गरीब आदमी है जिसको खाने पीने की दिक्कत है, खेती बाड़ी नहीं है, कोई विधवा औरत है, दो बच्चों 4 बच्चों को लेकर बैठी बेचारी,
तो उसको खाने की दिक्कत है तो उसको लाके धाम में मिलाना, उसको भी अनाज पानी की सेवा दी जाएगी। ठीक है कि नहीं? बोलिए दानी महाराज की। और